तो गाइस कोरनपुर मेले में आया हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है और मेले का मज़ा अलग ही होता है कोरनपुर। और मुझे लग रहा है यहाँ पे कॉपीराइट भी आ सकता है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा बज रहा है। इस तरफ देखिए आप, सारे खेलने के सामान, खेलने मतलब बच्चे खेल रहे हैं, इतना बड़ा झूला लगा हुआ है यार, क्या ही बताएं। और इस तरफ पता नहीं ये कुछ जादू वाला टाइप है और काफ़ी मज़ेदार है। जो ये झूला देखिए आप, मैं तो इस झूले में बैठूंगा नहीं भाई साहब, बहुत डर लगता है, इतना ऊंचा झूला है। और पता नहीं क्या क्या यार इस झूले में, मतलब यार इतने ऊंचे झूले में कौन ही बैठेगा, मेरा तो बस की बात है नहीं। ये बच्चों के लिए शोर बहुत ज़्यादा है, मेरा भी पता नहीं सुनाई चलेगा नहीं पता चलेगा। ये देखिए ये मौत को अभी चालू नहीं है, कब चालू होगा ये मौत को अभी नहीं चालू होगा, टाइम लगेगा इसमें, काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो काफ़ी मज़ेदार है पर लोगों का शोर शराबा बहुत है यहाँ पे, कुछ समझ में तो आने वाला है नहीं किसी को, और शोर शराबा बहुत है इसी वजह से किसी को कुछ समझ में आएगा नहीं कि मेले में मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अच्छा है, और जो भी लोग आए, वे पूरनपुर का मेला है, मैंने सोचा जो लोग नहीं आ सकते मैं उनको यहाँ आके मैं खुद दिखा देता हूँ, जो वहीं रहने से हैं जो वहीं रहते हैं मैं उनको यहाँ पे आके दिखा देता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ ताकि यहाँ पे आके लोगों को दिखा दूँ। सिर्फ खाली मैदान पड़ा हुआ है और बहुत सारी बहुत भीड़ लगती है यहाँ मेले में, जो भी लोग नहीं आ पा रहे हैं अपने घर से मैं उनको यहाँ पे आके दिखा देता हूँ, और काफ़ी बेहतर यहाँ पे लगता है। पर अगर कॉपीराइट वगैरह यहाँ पे आप चाट पकौड़ी की दुकान ये देखें, कितना बेहतरीन है यहाँ पे नज़ारा देखने लायक। और ये पूरनपुर का मेला हमारे पूरे क्षेत्र में माना हुआ मेला माना जाता है, काफ़ी बड़ा मेला माना जाता है ये, और इतना बड़ा यहाँ पे मेला होता है जिससे यहाँ इस तरफ सारा सामान होता है, जिससे चूड़ी बिंदी वगैरह लड़कियों का सारा सामान होता है इस तरफ साइड, तो बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे थोड़ा डर भी महसूस हुआ, आई फील वेरी डर, और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। चलिए फिलहाल आज के वीडियो ख़त्म करते हैं ये वाला, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे यहाँ पे कुल्फियाँ वगैरह हैं आप पी सकते हैं, एक लेके कितने का है, एक कितने का, 20 रुपये, 30 एक बाहर खाने चलो, बहुत महंगा यार बाहर खा लेंगे, यहाँ पे 30 रुपये का एक बेचो, 10 रुपये में मिलता है, 30 रुपये का एक, इतना महंगा है, मेला देख के सारा लूटता है बेचो, इधर भी 30 ही का हो, यहाँ पे खिला रहे भैया 30 रुपये का एक। जो ये इधर सारा कफ वगैरह का दुकान है, यहाँ पे कफ वगैरह मिलते हैं, काफ़ी अच्छा दुकान है ये, कफ वगैरह का सजाया हुआ है, मेले में बहुत बड़ा है ये मेला, ऐसा छोटा मोटा मेला नहीं। तो मैं वैसे पूरनपुर में घूम रहा, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे घूमते हुए, और मुझे ये बिल्कुल डर नहीं लग रहा है कि मैं वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ। ये इनकी दुकान, यहाँ पर सारा कांच बिकता होता ना, कांच का कुछ सामान होता है, और ये कफ वगैरह किसके होते हैं, मिट्टी के होते हैं, ये अच्छा लग रहा है वह सारा सामान, यहाँ पर सिस्टम अच्छा लग रहा है, अच्छा है। ये इधर चूड़ियों वगैरह का दुकान है, और भी सारा सामान है यहाँ पे, आप अगर आते हैं तो चूड़ियाँ वगैरह आपको मिल जाएंगी, और भी सारा सामान मिल जाएगा यहाँ पे, जैसे कि चूड़ी है, प्लास्टिक का सामान हो गया, यहाँ पे प्लास्टिक वगैरह का, चूड़ी वगैरह का सामान मिलता है। और इस तरफ आपको ले चलते हैं, इस तरफ कॉफ़ी वगैरह का सिस्टम है, यहाँ पर सारी कॉफ़ियाँ वगैरह मिलती हैं, काफ़ी अच्छा जो है मेला लग रहा है मुझे। चलिए फिलहाल आज का वीडियो अब ख़त्म करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई द ब्लॉग, इस तरफ चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे सब लकड़ी वगैरह का सामान है, कितना अच्छा लग रहा है यार, वाह नाइस, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है ये सामान, काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे सारा सामान लकड़ी का है, ये देखो लकड़ी का ही है, अच्छा सामान है, ये देखो इतना छोटा 100 पीस के लिए, ये देखो कांच, ये देखो लकड़ी का फ्रेम वाला शीशा, आपने देखा होगा ये लकड़ी के फ्रेम का शीशा, सारा सामान लकड़ी का ही है, ये क्या, अच्छा ये सिंदूर है, सब महंगा आइटम है, कितना अच्छा लग रहा है, इन्होंने दुकान कितनी अच्छी से सजाई है, वाह यार क्या मस्त है, काफ़ी अच्छी इन्होंने दुकान जो है सजाई है, और काफ़ी अच्छी लग रही है इधर दुकान इनकी, कुछ खरीदेंगे नहीं, बड़ा महंगा होगा कुछ, पूछ लेते हैं, वाह यार बजने वाले नहीं, ये सब घर में 100 पीस के लिए है ना,
हमसे दिखाई है लकड़ी के फ्रेम में घड़ी, अच्छा लग रहा है यार। वैसे कितने का ये एक, कितने का ये, कितने का ये? 950 रुपये का है लकड़ी के फ्रेम का वॉच। अच्छा है यार। इधर देखो आप, इनको आप देखो, ये घर में होता है ना ऐसे, इतनी अच्छी सुनहरी आवाज़ इनकी। अगर जैसे हवा चलती है, हवा में ये भिनता है, तो हवा में ये ऐसे लड़ेगा ना तो अच्छा लगेगा। ये देखो, इससे तो आवाज़ ही नहीं है, इससे कुछ होगा, इससे भी नहीं है, इससे भी, इससे आएगा। अच्छा है यार, फिलहाल तो अच्छा लग रहा है, सारा आइटम अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बढ़िया दुकान है, कैसा जीव बेंच, मज़ा आ गया जी। इधर देखो, मैं तो ये दुकान, ये लकड़ी के पंछी बने हुए हैं, वाह यार, अमेजिंग दुकान है, कितनी सुंदर सजाई है और पूरा अच्छे से सजा रखा है यहाँ पे घड़ियों का पूरा, कितना अच्छा लग रहा है। मेरे पास तो वैसे हैं अभी, मुझे चाहिए नहीं, और मेरे पास तो ही बहुत सारी घड़ियाँ हैं, मतलब एक दो घड़ी ले रखी थी मैंने, मुझे चाहिए नहीं ऐसे सिर्फ। हाँ, ये बेचारे बनते बैठे हुए हैं, कुछ दिवाली तो निकलने वाली है यार, अब ये दिख रही है, चलो अच्छी बात है, हो गया। इसको भी फॉलो करो, चैनल है इसका। ये इधर कुछ देवी देवता का कुछ वगैरह फ़ोटो वगैरह, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आज का ब्लॉग मेरा बहुत अच्छा है, हिम्मत बहुत लगती है ब्लॉग बनाने में, भाई साहब इतनी पब्लिक के सामने बोल रहे हो, पब्लिक के सामने ब्लॉग बना रहे हो, इसमें बहुत डर लगता है और मेरी बहुत फट रही है पब्लिक के सामने ब्लॉग बनाने में। चलिए फिलहाल तो अब धीरे धीरे हिम्मत आ रही है अब हम लोग, और आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, एंड ऑफ द ब्लॉग, और कल बनाएंगे। अब तक के लिए आज का ब्लॉग जो है सपोर्ट करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हाँ भाई साहब, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, बने रहिएगा आगे ब्लॉग के लिए।